ये स्टूडेंट एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। सिंप्लीफाई बाय कंबाइनिंग सिमुलेटन। सबसे पहला पार्ट है 45 स्क्वायर रूट ऑफ 45 माइनस 3 स्क्वायर रूट ऑफ 20 प्लस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 5। तो इसका 45 का एलसीएम लेंगे तो वो आएगा हमारे पास 3 मल्टीप्लाई 5 माइनस 3। 20 का एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 5 प्लस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 5। फिर इसके बाद यहाँ पर 3 का स्क्वायर आ जाएगा वो लिख लेंगे मल्टीप्लाई 5 माइनस 3। 2 का स्क्वायर आ जाएगा मल्टीप्लाई 5 प्लस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 5। तो इसमें 3 का स्क्वायर रूट अलग कर देंगे मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट ऑफ 5। इसी तरह इसमें भी 2 का स्क्वायर रूट अलग करेंगे मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 5। इसके बाद स्क्वायर को स्क्वायर रूट से कट कर देंगे तो ये 3 स्क्वायर रूट ऑफ 5 बन जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 5। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं 3 स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस 6। 3 2 का 6 स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 5। तो इन दोनों से 3 स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस 6 स्क्वायर रूट ऑफ 5 होता है माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 5। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 3 3 माइनस 6 3 होता है 3 लिखेंगे। 3 माइनस 3 स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे माइनस 3 स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3 होता है 1 स्क्वायर रूट ऑफ 5। तो ये अब कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद इसका सेकंड पार्ट है 4 स्क्वायर रूट ऑफ 12 प्लस 5 स्क्वायर रूट ऑफ 27 माइनस 3 स्क्वायर रूट ऑफ 75 प्लस 300 स्क्वायर रूट ऑफ 300। इन सारों का एलसीएम लेंगे अंदर वाली टर्म का। 12 का एलसीएम आता है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस 5 लिखते हैं। और 27 का एलसीएम आता है 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 माइनस 3 आता है। 75 का एलसीएम लेंगे 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। इसके बाद 300 है उसका एलसीएम ले लेते हैं। उसका एलसीएम आएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। तो इसके बाद फर्दर लिखते हैं 4 2 का स्क्वायर आ जाता है वो लिख लेते हैं, वो अलग से लिख लेते हैं मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट ऑफ 3। इस तरीके से प्लस 5 3 का स्क्वायर लिखते हैं वो अलग से लिख लेते हैं मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट ऑफ 3। इसी तरीके से माइनस 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3 मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर रूट लिखेंगे। फिर आगे नेक्स्ट टर्म में 2 का स्क्वायर बनता है मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट ऑफ 3 फिर मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर। इसके बाद फर्दर करते हैं 2 का स्क्वायर कट हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5 स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 5 इसका स्क्वायर रूट से कट हो जाएगा तो 5 मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस इसका इससे कट हो जाएगा तो 3 मल्टीप्लाई 5 स्क्वायर रूट ऑफ 3। फिर लास्ट में आता है प्लस 2 का स्क्वायर कट हो जाएगा स्क्वायर रूट से इसी तरह 5 का भी कट हो जाएगा तो 2 मल्टीप्लाई 5 स्क्वायर रूट ऑफ 3 आ जाते हैं। तो 4 2 8 स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 15 5 15 स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 15 स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 10 स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो ये दोनों कट हो जाते हैं उनको कट कर देंगे तो लास्ट में आ जाता है 8 प्लस 10 18 18 स्क्वायर रूट ऑफ 3 इसका आंसर आ जाता है। तो ये कंप्लीट हो जाता है। तो इसके बाद नेक्स्ट पार्ट करते हैं सॉल्व। इसके बाद नेक्स्ट थर्ड पार्ट है
स्केयर रूट ऑफ थ्री ब्रैकेट में टू स्केयर रूट ऑफ थ्री प्लस थ्री स्केयर रूट ऑफ थ्री, और इसका लास्ट पार्ट है फोर्थ, टू ब्रैकेट के अंदर सिक्स स्केयर रूट ऑफ फाइव माइनस थ्री स्केयर रूट ऑफ फाइव। तो अब ये दो पार्ट सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले थर्ड पार्ट है, इसमें हम सॉल्व करेंगे तो स्केयर रूट ऑफ थ्री बाहर ही रहने देंगे, ये दोनों ऐड अप हो जाते हैं, टू प्लस थ्री फाइव, फाइव स्केयर रूट ऑफ थ्री बन जाता है। तो इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, तो स्केयर रूट थ्री को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो थ्री का स्क्वेयर हो जाएगा, स्केयर को स्केयर रूट से कट कर देंगे तो फाइव मल्टीप्लाई थ्री आ जाएगा, फाइव मल्टीप्लाई थ्री करेंगे, फाइव मल्टीप्लाई थ्री, तो फाइव मल्टीप्लाई थ्री करेंगे तो फिफ्टीन इसका आंसर आ जाता है। लास्ट पार्ट है, टू को बाहर लिखते हैं, और सिक्स स्केयर रूट फाइव माइनस थ्री स्केयर रूट फाइव, इन दोनों को माइनस करेंगे, सिक्स माइनस थ्री थ्री होता है, थ्री स्केयर रूट ऑफ फाइव। तो इसके बाद फर्दर सॉल्व करते हैं, टू थ्री जा सिक्स, सिक्स स्केयर रूट ऑफ फाइव, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। तो इस तरह ये क्वेश्चन नंबर थ्री कंप्लीट हो गया। ओके, अल्लाह हाफिज़।